गाड़ी टायर वो पंचर हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हर एक ट्रैवलर का सपना, हर एक बाइकर का सपना होता है जिस ट्रिप पे मैं जा रही हूँ। जी हाँ, और मुंबई से श्रीनगर तक का सफ़र जो है वो मैंने तय कर लिया था, जो कि आप सब ने लास्ट वीडियो में देख चुके हो। और अभी जो है ये कश्मीर की हसीन वादियों में मैंने सोचा इस वीडियो की शुरुआत की जाए अपने सेकेंड डे के वीडियो की, जो कि है श्रीनगर से हमारा लेह तक का सफ़र। और इस सफ़र में जो है बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, जिसमें कि कवर होगा, जिसमें मेरी गाड़ी जो है वो सोनमार्ग होते हुए जाएगी, जोजीला पास जो है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है वो जोजीला पास, और वो होते हुए हम कारगिल होते हुए, द्रास होते हुए, लामा यूरो देखते हुए और मैग्नेटिक हील को क्रॉस करते हुए जाएंगे ले की तरफ। तो आज की जो जर्नी होगी वो उसमें ये सब चीज़ें कवर होने वाली है, तो इसलिए आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आप फिलहाल देखिए कि ये जो बोर्ड दिख रहा है, जहाँ से दिख रहा है कि सोनमार्ग जो है वो 4 किलोमीटर है, और ये रास्ता जो है जो मेरे राइट साइड में है ये जाएगा सोनमार्ग की तरफ सीधा, और आगे ये जम्मू श्रीनगर को जाता है। और मेरे जो लेफ्ट साइड से रास्ता जा रहा है ये रास्ता जाएगा कारगिल की तरफ। पहले जो है जोजीला पास आएगा, देन कारगिल द्रास होते हुए ले की तरफ जाएंगे। तो रास्ते में बहुत कुछ कवर करने वाली हूँ, बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। आज के दिन की शुरुआत यहीं से होती है। सुबह सुबह ही श्रीनगर से निकल गए ले के लिए। आज जो है श्रीनगर से निकल चुके थे टाइम से ही, दिन की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जाम तो नहीं मिला पर ट्रेजेडी कुछ और हो चुकी है, क्योंकि हमारी गाड़ी की जो टायर है वो पंचर हो गई है। और सब मिलके ना कोशिश कर रहे हैं राहुल भाई की कि टायर जल्द से जल्द बने तो हम कारगिल पहुंच पाएंगे। कोशिश जारी है, सबकी मेहनत। गाड़ी पंचर है इधर लड़ाई चल रही है। हेलो एवरीवन, इधर ये और वीडियो मार कर ना हो रहे हैं। अन्ना से मिलो, बेंगलुरु से आए और काफी एंटरटेन कर रहे हैं पूरे रास्ते। जब तक तो जाग जाते गाड़ी हमारी हो गई है ठीक, और टायर जो पंचर हुआ था वो भी सही हो गया, और फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि मेरा मन है आगे कुछ कुछ जगहों पे रुकने का। लेकिन क्या है ना कि अगर हमारे पास टाइम रहा तभी हम रुक सकते हैं, और अगर टाइम नहीं रहेगा तो हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें ले किसी भी हाल में आज पहुँचना है, वरना पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं जोजीला पास। जोजीला पास के बारे में मैं बता दूं कि जोजीला पास जो है वो लद्दाख के कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें आता है ये, और ये जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, और इसे ना लद्दाख का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। यहाँ यहीं से लद्दाख स्टार्ट हो जाता है। जहाँ आपको जोजीला पास के ना शानदार नज़ारे दिल को छू लेते हैं, वहीं यहाँ का जो रोड है ना वो बहुत ही डेंजर है, जोखिम भरा है। विंटर के सीजन में यही जो है ना जोजीला पास, यही रास्ते बंद हो जाते हैं, जिस वजह से रोड का जो रूट है वो क्लोज हो जाता है। और अभी एक वीक पहले ही यहाँ पे काफी ज्यादा आइस थी, स्नो थी, जिस वजह से गाड़ियों को 24-24 घंटे के जाम में फंसना पड़ा था। फिलहाल मेरे टाइम में ये सब नहीं हो रहा है, तो हम निकल रहे हैं। और ये देखो कि मतलब इस ट्रिप की सबसे पहली स्नो मुझे यहीं पर मिल रही है।
ये जो स्नो, जो बची हुई स्नो है ना, ये जब मेल्ट होती है ना धूप होने की वजह से, तो ऐसे वाटर आते हैं और जिस वजह से और रास्ता खराब हो जाता है। लेकिन क्या है कि लद्दाख ट्रिप पे आप हो ना, तो ऑफ रोडेड के लिए तो तैयार ही रहना चाहिए। आगे और भी ज़्यादा ऐसे ही रोड्स मिलने वाले हैं। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, मतलब जो मेरे लेफ्ट साइड से दिख रही है, ऐसी ही पहाड़ आपको ना थोड़ी स्पीति में थोड़ा मिलता जुलता ऐसा ही मतलब दिखेगा स्ट्रक्चर। जोजीला पास जैसे ही क्रॉस होते हैं ना, तो यहाँ पर गाड़ियाँ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, यहाँ कुछ स्नो बचा हुआ है, इसे ना ज़ीरो पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है स्नो से रिलेटेड, और आते जाते टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये इंजॉय कर सकते हो। इसको बोला जाता है लद्दाख का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। तो दोस्तों अभी जो है जोजीला पास क्रॉस कर चुके हैं और 0 पॉइंट जो है वो भी क्रॉस कर चुके हैं। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी पर मुझे नहीं करना था क्योंकि हमें सीधे कार्गिल की तरफ जाना है। देखो स्नो स्नो से घिरी हुई है, बस रास्ते खुले हुए हैं, बाकी दोनों साइड स्नो है। तो चलते हैं कार्गिल की तरफ जो कि यहाँ से 95 किलोमीटर। ये जो आप एक लाइन से ट्रक देख रहे हो, ये दिन में ऐसे ही खड़े रहेंगे और इन्हें शाम के 5 बजे के बाद से ये निकाल दिया जाएगा और रात भर ये चलते रहते हैं। फिर तो दोस्तों 6-7 घंटे कंटिन्यू ट्रैवल करने के बाद अभी भी हम कारगिल नहीं पहुंचे हैं, द्रास के आसपास ही है। आप नज़ारे देख रहे हो, खूबसूरत नज़ारे हैं। फिलहाल भूख लग गई है कंटिन्यू जर्नी कर करके, तो अभी हम लंच करने के लिए इधर रुके हैं। तो देखो आप नज़ारे, तो चलिए देखते हैं कि लंच में यहाँ पे क्या क्या मिलता है। आपको मैं बताती हूँ कि क्या क्या लंच में यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, आपको सुविधा होगी। द्रास से 20 किलोमीटर पहले एक होटल है, होटल गेटवे, जहाँ हम लंच के लिए रुके हैं। हालांकि लंच का टाइम तो निकल चुका है लेकिन टाइम नहीं मिला, तो अभी लंच के लिए रुके हैं, जहाँ हमने मैगी और रोटी सब्जी और यही सब ऑर्डर किया है, फ्राइड राइस वगैरह। तो चिकन राइस यहाँ पे दो राइस भी आ गई है, कढ़ाई पनीर भी है। यहाँ 2-4 होटल्स हैं जहाँ पे आप लंच वगैरह के लिए आ सकते हो, आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। टेस्ट भी बताती हूँ कि अभी कैसा है। रोटी है और कढ़ाई पनीर है और ये मैगी जीरा राइस सब लोग खा रहे हैं अपनी अपनी चॉइस का। श्रीनगर से जो लेह का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कवर करने में 11-12 घंटे जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि पहाड़ों पे रास्ते इजी नहीं होते और इस वजह से ना ये जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं द्रास, और द्रास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि द्रास जो है 60 डिग्री टेम्परेचर में इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट सिटी में से एक है, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है लेकिन फिर भी ठंड होती है। और यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा है, रहने की सुविधा है और रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं आपको। ये पूरा द्रास का मार्केट है और अच्छा खासा मार्केट है यहाँ पे। श्रीनगर से निकले 8-9 घंटे हो गए लेकिन कारगिल नहीं पहुंचे अभी तक, लेकिन इतने सुंदर नज़ारों में ना आप बिल्कुल बोर नहीं होते हो।
दोस्तों बस कार्डियो जो है यहाँ से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इतना खूबसूरत सा नज़ारा था कि मैं थोड़ा सा रुक गई यहाँ पे नज़ारे देखने के लिए, क्योंकि तुम बगल से आप नदी की आवाज़ सुन रहे हो, बहुत अच्छा है। और अब सड़क देखो, ये पीछे अच्छी है, रोड्स अच्छे हैं, आए हुए हैं, बाइकर्स जा रहे हैं, कल से हमारे पास बाइक हो गई, चलते हैं अब आगे। प्रॉब्लम ये आ गई है कि सनसेट होने को आया है और कारगिल में अगर हम रुकते हैं तो ले पहुंचने में लेट हो जाएगा, तो हमने कारगिल स्किप कर दिया है और आगे की तरफ ले की तरफ निकल चुके हैं। आधा डिस्टेंस श्रीनगर से तय हो गया और आधा अभी भी बचा हुआ है ले पहुंचने में। और लामा यूरो जो है यहाँ से 100 किलोमीटर है, लेकिन वो भी शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि रात में आप कुछ भी नहीं देख सकते यहाँ पर। अगर आपको अच्छे से लद्दाख एक्सप्लोर करना है ना, तो कम से कम 15-20 दिन तो चाहिए ही चाहिए। और आप देखो रात को कि यहाँ पे आप रुकते रुकते जाओगे ना, तभी आप सब कुछ देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। और यहीं रास्ते में अभी लामा यूरो आएगा जहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग होगी, तो मैं वो दिखा देती हूँ आपको। लद्दाख की खूबसूरत मॉनेस्ट्री में एक है लामा यूरो, और इसको जो है ना मून लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की जो है ना सतह से समानता है इसकी। राहुल भैया बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की क्या खास बात है, बताओ आप। पता नहीं जाए क्यों, पता नहीं गाड़ी न्यूट्रल है। हां गाड़ी न्यूट्रल है, हां और खुद ही भाग रही है गाड़ी, भाग जा रही है क्योंकि बड़ी गाड़ी है। ये मैग्नेटिक है जो रात को काम नहीं कर रहा। रात के 12 बजे क्रॉस कर रहे हैं मैग्नेटिक हिल और यहां से अब ले का डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर ही बस रह जाता है। फाइनली अब ले में हो गई हमारी एंट्री और हम काफ़ी लेट है, इस वजह से पूरा रोड ही शांत दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, हमने पहले से ही अपनी होटल बुकिंग कर रखी है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। फाइनली ले पहुंच चुके हैं और रात के 1:30 बजे अभी हम डिनर कर रहे हैं, जिसमें रोटी दाल सब्जी मिक्स वेज सब कुछ है। और यही बहुत बड़ी बात है कि रात के 1:30 बजे गेस्ट हाउस वालों ने हमारे लिए खाना रखा है। खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, बाकी कल सुबह की बातें हम सुबह करेंगे। गुड नाइट।